फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज जो हम बनाने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम के लिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आजकल चल रही है वो है कोरोना। और हमें क्या करना है, कोरोना से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो कोरोना से प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेसिपी है। पूरे कोरोना पीरियड के अंदर मैंने इस रेसिपी को बिल्कुल अच्छे से फॉलो किया है एंड मुझे इसके बहुत फ़ायदे हुए हैं। तो आई थॉट कि मुझे ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर से करनी चाहिए, क्योंकि मैं इसके अंदर सारी हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चिंता मत कीजिए, ये आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, ये आपको हर तरीके से फ़ायदेमंद ही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इम्यूनिटी बूस्टर कोरोना प्रोटेक्शन रेसिपी। पहले मैंने एक पैन लिया है, पतीला ले सकते हैं, पैन ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और इसके अंदर मैं आधा लीटर पानी डाल रही हूँ। आप इसे दिन में 3 बार लेंगे तो इसीलिए मैं पूरे दिन के हिसाब से बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे आप बार बार भी बना सकते हैं, बट ये पूरे दिन काम करेगा। तो आप एक बार बना के इसे एक थर्मस में रख लीजिए और बार बार इसको लेते रहिए। मैंने यहाँ पर आधा लीटर पानी लिया है सबसे पहले, ठीक है। आधा लीटर पानी लेने के बाद यहाँ जब तक हमारा पानी जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। देखिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा नींबू, आधी काली मिर्च पाउडर, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, दालचीनी, 3 लौंग, 2 इलायची और ये है हमारा सोंठ का पाउडर। अगर आपको सोंठ का पाउडर वैसे तो आसानी से मिल जाता है, बट अगर नहीं होता तो आप अदरक को कूटकर भी डाल सकते हैं। और लास्ट मैंने यहाँ पर लिया है काला नमक, वो भी आधा चम्मच है, ठीक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमारी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं और हमें बाकी की बीमारियों से भी बचाते हैं। देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे लिए बहुत बहुत एक औषधि का काम करते हैं, ठीक है। देखिए जब तक पानी उबल रहा है तब तक मैं लहसुन को कूट लेती हूँ। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, घिस भी सकते हैं कद्दूकस में। मैं यहाँ पर इसको कूट रही हूँ। ये पानी उबल चुका है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज आपको बाद में डालनी है या पहले डालनी है, बस आपको नींबू लास्ट में डालना है, ठीक है। बाकी की चीजें आप लोग साथ के साथ उसी टाइम पर डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं दालचीनी डाल रही हूँ। जो भी मेरे पास इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे इंग्रेडिएंट्स मैं एक साथ इसके अंदर डाल दूंगी। और इसे अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के लिए आप विस्कर का यूज कर सकते हैं, चम्मच से मिला सकते हैं, जो भी चीज आपके पास अवेलेबल हो। ये जो रेसिपी है आज की, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि ये कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ गया है और इसकी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा इलाज यही रहेगा कि हम अपनी केयर खुद से करें। पर इसके अंदर अदरक पाउडर के लम्स आ गए हैं तो हम उसको धीरे धीरे करके हटाएंगे। वैसे वो अपने आप ही हट जाएंगे, हमें लम्स धीरे धीरे करके हटाने हैं। देखिए बिल्कुल इसी तरह। अब इसको हम लोग स्लो फ्लेम पर 10 मिनट तक बनने देंगे। आप इसको ढक के रख दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको ढक देती हूँ और 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर मैं इसे बनने दूंगी। कूटा हुआ लहसुन भी मैंने इसके अंदर डाल दूंगी। मैं देखिए बिल्कुल जो मैंने अभी लहसुन कूटा था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसे हल्का सा मिक्स कर दूंगी और वापस से इसको ढक दूंगी। 10 मिनट तक इसे स्लो फ्लेम पे बनने देंगे, ठीक है। तो 10 मिनट हो चुके हैं और हमने इसे स्लो फ्लेम पे पका लिया है 10 मिनट तक। देखिए इसके अंदर से फ्रेग्रेंस भी इतनी आयुर्वेदिक आ रही है जो बहुत ही ज्यादा मतलब पॉजिटिव वाइब्स दे रही है। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो हमने आधा नींबू लिया है उसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। देखिए जो आपका लेमन जूस है आधे नींबू का, आप चाहें तो थोड़ा और नींबू डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। तो मगर आधे नींबू से इसके अंदर अच्छा टेस्ट आ जाता है। एंड मैं ये बताना भूल गई कि ये टेस्ट में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप किसी तरह का कोई काढ़ा ले रहे हैं या कुछ ऐसा ले रहे हैं, आपको ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगेगा। अब चलिए इसे छान लेते हैं, ठीक है। मैंने गैस बंद कर दिया, अब मैं इसे छान लूंगी। देखिए मैंने यहाँ पर इसको एक कप में निकाल लिया है,
ठीक है, क्योंकि हमें दिन में 3 बार पीना है तो थोड़ा थोड़ा करके ही पीते हैं। आप जितना चाहे उतना पी सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी नेचुरल चीजें हैं तो ये बॉडी को कोई नुकसान नहीं देगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पियेंगे क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, इतना करके दिन में 3 बार पियेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देगा। एंड मैंने खुद इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि इससे मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया। कोरोना से तो मैं प्रोटेक्टेड हूं ही और मेरी पूरी फैमिली प्रोटेक्टेड है, तो मगर इससे और भी मुझे बहुत फायदे हुए हैं। तो प्लीज आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा, इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। सो गाइज प्लीज ट्राई दिस एट योर होम, एंड इफ यू लाइक दिस रेसिपी देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।